हेलो फ्रेंड्स, मिली ट्यूटोरियल्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ मिली। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने हेयर स्टाइल की वीडियो कैसे बना सकती हैं। अगर आप अपना हेयर स्टाइल का चैनल बनाना चाहती हैं और आप अपने हेयर स्टाइल की वीडियो बनाना चाहती हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊँगी कि आप अपने हेयर स्टाइल की वीडियो कैसे बना सकती हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि हेयर स्टाइल बनाने के लिए आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि आप अच्छा सा वीडियो शूट कर सकती हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए जिसका कैमरा अच्छा हो। मैं अपने वीडियो स्मार्टफोन से ही बनाती हूँ और इससे अच्छी रिकॉर्डिंग होती है। तो आपके पास एक अच्छा सा स्मार्टफोन होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास एक आर्म स्टैंड होना चाहिए जिससे कि आप अपना इसमें फ़ोन लगा के वीडियो शूट करेंगी। तो आपके पास एक स्टैंड होना चाहिए। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आपका कोई साथी होना चाहिए जो आपका वीडियो शूट कर सके। उसके बाद वीडियो में लाइट अच्छी रहे, आपके पास एक लाइट होनी चाहिए। अगर आप दिन में वीडियो अपनी बनाती हैं तो आपको लाइट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप दिन की रोशनी में ही अपने वीडियो बना सकती हैं। तो हेयर स्टाइल में इतनी ही चीज़ें हमें चाहिए। वैसे भी अगर आप बोल के वीडियो बनाना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं, तो उसके लिए आपको माइक भी लेनी पड़ेगी। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपने हेयर स्टाइल की वीडियो कैसे शूट करनी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, हेयर स्टाइल की वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे मशीन पे अपना स्टैंड, ये आर्म स्टैंड लगा दिया है। आप इसे मशीन पे भी लगा सकती हैं, किसी टेबल पे भी लगा सकती हैं, किसी ऊँचे पटरे पे भी लगा सकती हैं, क्योंकि आपको हेयर स्टाइल की वीडियो बनाने के लिए इसी तरह स्टैंड लगाना होगा। फिर उसके बाद आपको स्टैंड में अपना स्मार्टफोन लगाना है ऐसे, और इसका कैमरा ऑन करना है। और फ्रेंड्स, आप जहाँ पे वीडियो बना रही हैं उसके आगे का बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए जिससे कि वीडियो में अच्छा बैकग्राउंड दिखेगा तो आपका अच्छा वीडियो बन के रेडी होगा। तो यहाँ पर ये फ्रंट पर मेरा ग्रीन बैकग्राउंड लगा हुआ है, ग्रीन स्क्रीन मैंने घर पर ही बनाया है, तो मैंने इसको यहाँ पे लगा लिया जिससे कि वीडियो में बैकग्राउंड अच्छा दिखे। आप कोई नेचुरल बैकग्राउंड भी यूज कर सकती हैं। तो हेयर स्टाइल की वीडियो में आपको बैकग्राउंड का भी ध्यान रखना है। तो ऐसे मैंने यहाँ पे स्टैंड लगा लिया है और यहाँ पे फ़ोन लगा दिया है स्टैंड में, और फिर यहाँ पर मैंने एक स्टूल रखा है जिस पर बैठ के हेयर स्टाइल बनानी है। जिसकी हम हेयर स्टाइल बनाएंगे उसको यहीं पे बैठने को कहेंगे, या आप डमी में अगर बना रही हैं तो आप ऐसे ही आपको स्टैंड लगाना है, केवल आपको डमी पे कैमरा फोकस करना है। लेकिन मैं यहाँ पे डमी पे आपको नहीं बताऊँगी, तो आप ऐसे ही बना सकती हैं। तो यहाँ पे जिसकी हम हेयर स्टाइल बनाएंगे उसे बैठने को कहेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आप देख सकती हैं मैंने अपने फ़ोन का कैमरा ऑन कर दिया है, और यहाँ पर ऐसे आप देख सकती हैं यहाँ पे फ़ोन में अच्छी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ऐसे ही आपको हेयर स्टाइल के लिए कैमरा लगाना होता है। आप जो भी हेयर स्टाइल बना रही हैं, चोटी बना रही हैं, जूड़ा बना रही हैं, उस हिसाब से आपको कैमरा अपने बालों पे ही फोकस करके लगाना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं फ़ोन में भी अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और मैंने ऐसे कैमरा लगाया है। तो इसी तरह आपको हेयर स्टाइल की वीडियो बनाने के लिए कैमरा लगा लेना है और वीडियो ऑन करके रिकॉर्डिंग शुरू कर देनी है। फिर आप जो हेयर स्टाइल बनाना चाहती हैं, जैसे जूड़ा है, चोटी है, जो भी है, आप ऐसे ही बना लें। और तो यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख सकती हैं जैसे कि जो हेयर स्टाइल हम बनाएंगे वो वीडियो में अच्छे से रिकॉर्ड हो रही है। यहाँ पर हम चोटी बनाएंगे और उसका वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे। देख सकते हैं फ़ोन में रिकॉर्ड हो रहा है। तो ऐसे ही आपको हेयर स्टाइल बनाते समय पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लेना है। तो ये हेयर स्टाइल बन के रेडी हो गई है और देख सकते हैं वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड हो गया है। तो हेयर स्टाइल बनाने के बाद आपको अच्छे से कुछ भी, जैसे आपने जूड़ा बनाया है तो जूड़े में फ्लावर वगैरह लगाना है चोटी में, तो ऐसे आप अच्छे से उसे सजा के रेडी कर लें। और आपको उसके बाद ऐसे दिखाना होता है कि आपकी हेयर स्टाइल कैसे बनके रेडी हुई है, उसका भी वीडियो अच्छे से शूट कर लेना होता है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं यहाँ पे हेयर स्टाइल बनके रेडी हो गई है और मैंने यहाँ पे फ्लावर से चोटी को सजा दिया है।
तो ऐसे ही आप कुछ भी लगा के अपने हेयर स्टाइल को सजा सकती हैं और एक अच्छा सा वीडियो रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे अपलोड कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आप अपने हेयर स्टाइल के वीडियो बना सकती हैं। फिर हेयर स्टाइल बनने के बाद आपको उसके बाद का भी वीडियो शूट करना है कि आपकी हेयर स्टाइल कैसे बन के रेडी हुई है, कैसी लग रही है, उसे अच्छे से दिखाना होता है। तो ऐसे आप दूसरे के बालों पे भी बना सकती हैं, अपने खुद के बालों पे भी ऐसे ही हेयर स्टाइल बना सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और फैमिली के भी शेयर करना। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।